वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आवर टॉपिक इज चैप्टर 2, रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन. व्हाट इज रिलेशन एंड हाउ वी रिप्रेजेंट द रिलेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज रिलेशन. रिलेशन को जानने के लिए कि क्या है ये रिलेशन, इसके लिए हमें पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हमें रिलेशन निकालना कैसे, उसके बाद हम डेफिनेशन पर पहुँचेंगे. तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. रिलेशन एक सबसेट है. किसका सबसेट है? ऐसा सेट जो कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिला है. सो लेट अस हैविंग टू सेट्स. वी आर हैविंग टू सेट्स. वन इज ए इन विच देयर आर आर एस एंड टी. पहला सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं आर एस और टी. और दूसरा सेट है हमारे पास जिसके अंदर है राम, राहुल, श्याम, तरुण एंड वरुण. नाउ इफ यू फाइंड ए cross B, Cartesian product of A and B, then we will be having how many elements? 1, 2, 3 in A and 5 here. So 3 multiply 5, 15 elements will be in Cartesian product of A and B. So hum 15 elements mein se agar kuch ek elements is set ke andar likhe, to wo ordered pair mein honge. One element from A and other from B. So I am writing here R, राम, देन एस श्याम, देन एस तरुण, देन आर राहुल, आर राहुल, देन और भी हमारे पास बहुत सारे 15 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे. हमारे पास यह आर राम, एस श्याम, एस तरुण, आर राहुल, और एक हम ले लेते हैं और टी वरुण. हमारे पास जो 15 ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें से हमने ये कुछ ऑर्डर पेयर इसके अंदर लिख दिए, डैश 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 लगा दिया. दैट मीन्स हमारे पास 15 जो हैं इसके अंदर ऑर्डर पेयर मिलेंगे. नाउ वी आर हैविंग दिस सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. हमारे पास ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है. इस सेट में से हमें एक सबसेट निकालना है जो कि रिलेशन कहलाएगा. अब वो सबसेट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करनी पड़ेगी और उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम रिलेशन निकालेंगे. तो वो रिलेशनशिप क्या है, मान लो हम यहाँ लिखते हैं R इज इक्वल टू ए बी इज सच दैट ए इज द फर्स्ट लेटर of B and A belongs to capital A and B belongs to capital B. अब इस relationship के according हमें यहाँ से एक subset निकालना है जिसके अंदर ये condition clear होती हो. तो वो subset क्या होगा, R is equal to, उसके अंदर हमारे पास आएगा आर राम, एस श्याम, देन आर राहुल. क्या और भी कोई हमारे पास इसमें ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें फर्स्ट लेटर के साथ जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो जो है नाम के साथ उसका फर्स्ट लेटर टली हो रहा हो. जैसे आर है तो आर से राम, एस से श्याम, और
इसी तरह से हमने टी और वरुण लिया, ये दोनों टैली नहीं हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द वरुण, तो इसको हमने नहीं लिया। इसी तरह से एस तरुण, ये भी हमने नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रिलेशनशिप का सबसेट बनाया है हमने। हमने किस किस की रिलेशनशिप की है, दिस इज़ ऑल्सो द रिलेशनशिप ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये जो रिलेशनशिप है उसमें फर्स्ट जो है वो फर्स्ट के साथ ही रिलेशनशिप हो। अब जैसे ये फर्स्ट है आर राहुल, इसके साथ रिलेशनशिप है इसकी, लेकिन आर श्याम, ये इसका एलिमेंट तो रहेगा ए क्रॉस बी का, लेकिन रिलेशन में ये नहीं ले सकते हम एस राहुल को भी नहीं ले सकते, एस राहुल नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एस और राहुल है। अगर एस से शाम है वो हम ले रहे हैं इसमें, तो रिलेशन के अंदर इसको नहीं लेंगे। वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का के ऑर्डर पेयर में तो रहेगा, बट रिलेशन में हम वो लेंगे जो हमारी रिलेशनशिप डिस्क्राइब है। तो इसका मतलब ये हमारे पास रिलेशन आया आर राम, एस श्याम, आर राहुल, और भी देखो अगर कोई है इसमें तो आर एस, और यहाँ टी है तो टी तरुण भी ले सकते हैं, इसमें हम ये ले लेते हैं टी तरुण। तो ये जो रिलेशन था ये एक सबसेट था किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के सेट का सबसेट है। और वो सबसेट हमने कैसे क्रिएट किया, एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब की कि हमें ऐसा सबसेट लेना है जिसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के अंदर जो नेम्स हैं उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो हमने ये चार ले लिए, आर राम, एस श्याम, आर राहुल एंड टी तरुण। तो ये तो हो गया इसका एग्जांपल। नाउ लेट अस कम टू द डेफिनेशन। What is the definition? A relation R from a non-empty set to a non-empty set B. Non-empty set A to non-empty set B. अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, non-empty set एक A और एक B, then what is relation? What is the definition of relation? That is a subset of Cartesian product A cross B. जो ए क्रॉस बी करके जो हमारे पास सेट आया उसका सबसेट है। और वो कैसा सबसेट है, इन विच सबसेट इज़ ऑब्टेन्ड, वो सबसेट कहाँ से मिलेगा, बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। हमें कोई एक रिलेशनशिप दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हम वो सबसेट बनाकर उसको रिलेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बिटवीन फर्स्ट, और जो वो रिलेशनशिप है वो किस किस के बीच में होगी, बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द सेट। जो ए क्रॉस बी का सेट है उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो हम उसको रिलेशन के सेट में इंक्लूड करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द रिलेशन। अब जो जैसे हमारे पास आर राम, एस श्याम, आर राहुल, जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं, रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोलेंगे। क्या कहेंगे, इमेज। राम इज़ इमेज ऑफ आर, श्याम इज़ इमेज ऑफ एस, राहुल इज़ इमेज ऑफ आर, तरुण इज़ इमेज ऑफ टी। तो सेकेंड एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इमेज। किसकी, फर्स्ट एलिमेंट की। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट द रिलेशन बाय थ्री मेथड्स। वन इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज डन बाय ड्राइंग ए डायग्राम, जिसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। तो व्हाट इज एरो डायग्राम, इन एरो डायग्राम वी विल बी टेकिंग टू सेट्स लाइक दिस, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी।
एंड इसी सेट को ही इन ए और बी को ही ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास ए के अंदर हैं आर एस एंड टी, आर एस एंड टी, एंड इन बी वी आर हैविंग राम राहुल, राम राहुल, देन श्याम तरुण एंड वरुण। अब जिसका रिलेशन है उसको, दिस इज आर एंड दिस इज एस, जिसका रिलेशन है हम उसको एरो से उस तरफ ले जाएंगे ए से बी की तरफ। तो आर, आर इज रिलेटेड टू राम एंड अगेन आर इज रिलेटेड टू राहुल, एस इज रिलेटेड टू श्याम, टी इज रिलेटेड टू तरुण एंड वरुण इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस लेटर्स। सो दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज नोन एज एरो डायग्राम। नाउ नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म जो हमने पीछे किया वही होगी कि आर इज इक्वल टू ए बी इज सच दैट ए इज द फर्स्ट लेटर, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ व्हाट इज रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म भी हम पहले लिख चुके हैं। रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखें? आर इज इक्वल टू, उसमें हमारे पास क्या था, दैट इज आर राम, एस श्याम एंड आर राहुल एंड टी तरुण। आर राम, आर राहुल, एस श्याम एंड टी तरुण। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर हम सिर्फ वो ले रहे हैं जिनका, वो ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं जिनका आपस में रिलेशन है। हालांकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ए क्रॉस बी में तो हमारे पास 15 एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन रिलेशन में हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका आपस में रिलेशन है, तभी हम इसको रिलेशन बोल रहे हैं। नाउ वन मोर थिंग इज डोमेन। व्हाट इज डोमेन? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B विच आर इन रिलेशन, जिनका आपस में रिलेशन है फर्स्ट एलिमेंट्स, दैट मीन्स R, R, S एंड T, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B विच आर इन रिलेशन, जो रिलेशन में हैं उनको क्या बोलेंगे? आर, आर, एस, टी, इनको क्या बोलेंगे? डोमेन। नाउ व्हाट इज रेंज? सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। अब रेंज क्या है कि जो रिलेशन के अंदर सेट ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उसके सेट को हम क्या बोलेंगे? राम, राहुल, श्याम एंड तरुण, उसको क्या बोलेंगे हम? रेंज। अब बात आती है कोडोमेन की। व्हाट इज कोडोमेन? होल सेट बी। अब यहाँ पर बी सेट के सारे एलिमेंट्स तो नहीं हैं, जो रेंज है हमारी वो बी सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो ए सेट के एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं, और इनके अलावा भी बी सेट के अंदर और भी एलिमेंट्स थे, जैसे हमने कुछ एक और नेम्स भी सेट बी में लिए थे, जैसे वी से शुरू हो रहा था, तो उन सब सभी एलिमेंट्स को मिलाकर जो बी सेट है पूरा, जो हमने बी सेट लिया था बी, उसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन ए सेट, सेट ऑफ, दैट मींस हमने ये लिया था
आर एस एंड टी, और इधर हमने लिया था राम, राहुल, देन श्याम, तरुण एंड वरुण, वरुण। तो इसमें हम इनको, ये पूरे सेट को हम क्या कह रहे हैं, डोमेन। और रेंज क्या है हमारी, आर से राम, देन श्याम एंड तरुण, ये तीन एलिमेंट्स का सेट, राम, राहुल एंड तरुण एंड श्याम ऑल्सो, श्याम। दिस सेट इज नोन एज रेंज। एंड अब इसमें क्या है कि वरुण एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसका इनके साथ किसी के साथ रिलेशन तो नहीं है। तो अगर हम इस पूरे सेट बी को लें तो ये पूरा सेट क्या है, दिस इज को डोमेन। इसको क्या कहेंगे, को डोमेन, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर विच आर इन रिलेशन इज नोन एज डोमेन, सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स विच आर इन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज नोन एज रेंज, एंड होल सेट बी इज नोन एज को डोमेन। दैट्स वाई वी कैन से दैट रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। क्यों है, क्योंकि रेंज जो है इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं बी के जो इससे रिलेटेड हैं, और कोडोमेन ये पूरा सेट है। दैट मीन्स रेंज के पूरे एलिमेंट्स इस सेट कोडोमेन के अंदर आ रहे हैं, दैट्स वाई रेंज इज़ सबसेट ऑफ कोडोमेन। थैंक यू।